तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग किसी भी विषय के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज से मैं किचन में कोचिंग लेने वाला हूँ। किचन में क्या क्या चीज़ें बनानी आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर बंदे को आना चाहिए अगर वो कहीं बाहर रह रहा है। जैसा कि मुझे अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, और मेरे साथ भावना जायसवाल है, जिनका चैनल है, बहुत बढ़िया है, वो कुकिंग की रेसिपीज़ डालती है, तो वो आज मुझे पूरा गाइड करेंगी कि है ना कैसे हम लोग पोहे बनाएंगे, पोहे या पोहा जो भी आप है ना बोलते हैं। हम जनरली उसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन मैं जनरली है ना रात में खाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रात में हमेशा लाइट वेट जो भी होता है, हमेशा है ना डाइट है ना कम की होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं वो प्रेफर करता हूँ खाने का। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे है ना उसको बनाना। काफ़ी आसान होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी भी इस टाइप की रेसिपीज़ कभी भी नहीं बनाई हैं, और मैं आज से सोच रहा हूँ कि डालता जाऊँ, और जिससे मेरा भी प्रैक्टिस होता जाए कि है ना कैसे बनता है, और आपको भी नॉलेज होती जाए क्या क्या डिफरेंट चीज़ें होती है बनाते वक्त, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो है ना मुझे भावना जायसवाल जी है ना करेंगी, गाइड करेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अभी क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो पहले हम बारी बारी से देखते हैं। पहला ये है पोहे या पोहा बोलिए, और इसी का हमको खाना है बना के। और यहाँ पे हमारे पास है सींग दाना है। आपको थोड़ा शैडो आ रही होगी क्योंकि रात हो गया है, इसीलिए मेरी शैडो आ रही होगी, लेकिन ये सींग दाना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये है जीरा हमारे पास, और ये है हल्दी, ये हमारे पास है कोरिएंडर पाउडर, यहाँ पे है रेड चिली पाउडर, यहाँ पे नमक है, चीनी है, ये किशमिश है, तेल है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज़ लेमन, लेमन सिरप, या बोले कि नींबू का जो रस होता है वो है। काफ़ी बढ़िया तरीका है, हमारी मैम ने है ना बिल्कुल है ना यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, जिससे है ना काफ़ी आसान रहता है कि कभी भी इसका यूज़ करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर पीछे से है ना मुझे गाइड भी करती रहेंगी मैम कि है ना क्या क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है, बहुत ही हल्के आँच में इसको रखा है, और कढ़ाई मैंने है ना चालू कर दी है। और फिर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए मैम? हाँ, सबसे पहले ऑयल डालो। ओके, ऑयल रखा हुआ है। ओके, ऑयल डाल दो। कितने चम्मच? चार चम्मच डाल दो। चार चम्मच हम लोग डाल देते हैं ऑयल यहाँ पे, दो तीन और चार। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद पोहे है, जो पोहे को पहले हम भिगो लेते हैं। ओके, जब तक ये फूल जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग डायरेक्ट डाल दें तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डाल देंगे तो वो फ्राई हो जाएगा, तो फिर क्या मिक्सचर बन जाएगा? हाँ, तो आप पहले है ना इसके अंदर डालो। ओके, इसके अंदर डाल देते हैं। एक कप है लगभग, एक कटोरी जो भी, इसमें आपका एक बंदे का आराम से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी को इसके अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं। डायरेक्ट डाल देते हैं पानी, बिल्कुल अच्छी तरह से भिगो दो जिससे ये पूरा भीग जाए। और इसे अभी इसी तरह छोड़ दो, थोड़ा सा हाथों से चला लो अच्छी तरह से। ओके, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से चला लो। जैसे कि फूल जाएगा। और पानी चाहिए क्या? पानी आप बताइए, मुझे तो लगता है कि ठीक ही है। नहीं, थोड़ा सा पानी और चाहिए। पानी और चाहिए तो अभी मैं पानी देती हूँ। पानी ठीक है, ले लेते हैं। मैं तब तक कैमरा ले लेता हूँ हाथ में, जिससे तो यहाँ पे आपको मैं इंग्रेडिएंट्स पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख चुके हैं, और यहाँ पे नीचे आँच आप देख रहे हैं, बहुत ही हल्की आँच है, और यहाँ पे इतना तेल डला हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पानी और डाल देते हैं जिससे अच्छी तरह फूल जाए। ओके, इसको डायरेक्ट पानी के अंदर भी पोहे को डाल सकते हैं, मगर वो कुछ ज्यादा ही गल जाता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए हमने इसको छलनी में ही डाला है, और नीचे से पानी है ना निकल रहा है, पानी ये निकल रहा है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, कभी कभी भूल जाते हैं और उसके अंदर रह जाता है पोहे, वो गल जाता है। तो ये बिगनर्स के लिए अच्छा है कि आप जाली के अंदर ही डालकर बनाए, और इसे अब छोड़ दो। ठीक है, इसको अब छोड़ देते हैं हम लोग, उसके अंदर कर लो। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अब हम लोग है ना यहाँ पे तेल हो गया गरम, और सबसे पहले हम लोगों को क्या जीरा डालें? हाँ,
जीरा, थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाल दो। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, ठीक है जीरा डाल दिया है। जीरा होने दो और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। फ्लेम को स्लो रखो, स्लो नहीं है, ओके रखो और स्लो कर दो, ठीक है। क्योंकि पोहे थोड़ा सा भीग रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा भीगने में। ओके अब ये इसके साथ साथ हम लोग और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? इसके अंदर राई भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ। और इसे राई पसंद नहीं है इसलिए मैंने मना किया है राई डालने के लिए, इसे जीरा ही पसंद है तो हमने जीरा डाला है। करी पत्ता भी डालते हैं। और अब हम यहाँ पर मूंगफली डालेंगे। ओके मूंगफली जो सिंग दाना है इसको इसके अंदर डाल दो। ओके तो यहाँ पे अब हम लोग ये मूंगफली डाल देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चलाओ, चला लेते हैं। तो और तेज कर लो फ्लेम को। इसको हम लोगों को कब तक चलाना है? हाँ ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रेडिश टाइप का, ब्राउन टाइप का दिखने लगेगा। ओके और थोड़ा सा तेज कर लो। बिल्कुल आराम से इसको चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बहुत इजीली बन जाता है ये। तो आपने भी है ना अपने चैनल में है ना रेसिपी डाली है पोहा की, मैंने देखा पोहा की भी डाली है, तो काफी ही अच्छा रिस्पांस आया था और मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप देखोगे कि धीरे धीरे हल्का हल्का वो लाल होने लगा है। अच्छा ये लाल होने लगा है, एक बार अच्छी तरह चलाओ। मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इसका आवाज भी आने लगी है। अच्छा तो ये जीरे की आवाज है या? हाँ, अच्छा हाँ, जीरा तैयार हो गया मतलब हमारा। अब है ना आप यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग अब है ना मुझे लगता है ये पोहा का ना देखेंगे, पोहा को आप जरा चेक कर लो इसको, कैसे पता चलेगा कि सही हो गया? देखो सॉफ्ट हो गया ना। हाँ पोहे को थोड़ा सा दिखाओ, सॉफ्ट हो गया यहाँ पर। बिल्कुल देखिए कितना अलग अलग हो गया, आपको दिख रहा होगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब आप डायरेक्ट इसके अंदर डालो, कढ़ाई में डाल दो नहीं तो वो मूंगफली जल जाएगी। ओके ठीक है डाल दो। तो मैं यहाँ पे पोहे को लेके बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह डाल दो, ठीक है। अब चला लो, अब चला लो नीचे से अच्छी तरह से, कपड़ा ले लो हाथ में, नैपकिन इस तरह से पकड़ लो। फर्स्ट टाइम है तो चलाने में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है और डर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगता है यूज टू होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो ना पाएगा। फ्लेम को आप स्लो रखो इस समय जब आप मिक्स कर रहे हो। हाँ हाँ बस ये मिक्स हो गया, ऊपर मूंगफली आ गई है, चलेगी नहीं। ओके अब मसाले और ये जो नीचे चिपकेगा तो इसका नहीं, अभी स्लो रखो, अब चिपकेगा नहीं। अच्छा बहुत जनों का मैं देखता हूँ चिपक भी जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि बहुत लोग ज्यादा तेल अगर डालते हैं तो चिपकता नहीं है, हमने थोड़ा कम तेल डाला है, ऑयल का कम यूज किया है। अच्छा तो इस समय अब तुम क्या करो कि मसाले डालो, ठीक है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, स्लो कर दिया। बिगिनर्स के लिए थोड़ा समझ भी नहीं आता है तो यहाँ पे हल्दी, बिल्कुल पिंच हल्दी लो, हल्का सा हल्दी लो, ठीक है। इतना काफी है? नहीं ज्यादा है, कम करो इससे, और कम, और कम करो। मतलब बेसिकली ये रंग देने के लिए, कलर देने के लिए, कलर देने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाफ स्पून ले लो धनिया, ये हाफ स्पून ले लेते हैं। ओके हाफ स्पून धनिया के बाद लाल मिर्च ले लो, लाल मिर्च अकॉर्डिंगली टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। और इसके बाद नमक भी डाल दो, नमक तो हल्का ही डाले, हल्का डालो, कम होगा तो ऊपर से और ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और शक्कर डाल दो, ये हो गया चीनी हमारे पास हाफ स्पून के करीब, शक्कर तो खट्टा मीठा हमारे पास टेस्ट आ जाएगा, बहुत शानदार, ठीक है। इसे मिक्स कर लो, और मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आराम से चलाते जाओ। आप इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, तो हरी मिर्च इसको ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने डाला नहीं, इसमें कहा नहीं डालने के लिए। तो जिसको हरी मिर्च, हाँ जिसको और मतलब है ना चटपटा, हाँ चटपटा बिल्कुल बनाना है बिल्कुल। और बहुत लोग प्याज भी डालते हैं, और प्याज से भी इसको, प्याज टमाटर और प्याज डालते हैं, तो आजकल तो प्याज के दाम भी काफी हाई हो गए हैं, दाम भी काफी हाई है, तो इसलिए प्याज को हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं भाई। और अब साथ में ये किशमिश डाल दो, बिल्कुल जैन वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैन पोहे, जैन पोहा भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब आप किशमिश डाल दो,
बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा इसमें कलर भी लग रहा है कि येलो आ गया बिल्कुल, कुछ लग रहा है कुछ बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने किशमिश डाल दी, इसके अंदर आलू भी डालते हैं लोग। अच्छा अच्छा, आलू बॉईल करके डालते हैं, बॉईल करके भी डाल देते हैं उसका, तब तो पुलाव ही बन जाएगा। हाँ, तो लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, तो ये चीज आपका हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी चलाने का थोड़ा तरीका लग रहा है थोड़ा अनाड़ी टाइप। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही है मेरा, पर मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते। जैसा जैसा आपको रिव्यू आएगा मेरे पास इस वीडियो देखने के बाद, वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसीलिए आप अपना जो भी वैल्यूएबल जो भी ओपिनियन है बस ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लग रहा है जो मैं बना रहा हूँ। और मुझे लग तो रहा है देखने में सही लग रहा है, बिल्कुल जो नॉर्मल दिखता है जैसा मैं खाता हूँ वैसा ही लग रहा है। और इसमें अब हमारे पास और चटपटा करने के लिए एक और लास्ट चीज़ थी, नींबू। नींबू ये है हमारे पास नींबू का सिरप, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू का सिरप बना कर रख लिया जो बहुत ही इजीली आप डाल सकते हो। बहुत है लोग अगर नींबू नहीं है टमाटर डाल लीजिए खट्टा लाने के लिए। अच्छा, तो टमाटर डाल लेते हैं और इसके बाद मिक्स कर लो आप बिल्कुल अच्छी तरह से, चला लो बिल्कुल अच्छी तरह। नीचे तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है बिल्कुल, मैं देखूँ तो जैसे लोगों का चिपक जाता है, मुझे लग रहा है काफी सही बन गया है पोहे। मेन रीजन ये है कि हमने स्टार्टिंग में पोहे को किस तरह भिगोया है वही रीजन है कि अच्छा चिपक नहीं रहा है, क्योंकि अगर पोहे गीला हो जाता तो वो चिपक जाता। मुझे लगता है कि एक बार टेस्ट कर लूं। हाँ, एक बार टेस्ट कर लेते, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो भाई टेस्ट करना तो बनता है, तो मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ कैसा है। मेरा से स्पून निकाल लो। ओके, आप देखो इसका पोहे बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और ये अच्छा लग रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए आप ऊपर से धनिया का पत्ती भी डाल सकते हैं, बहुत सारे मिक्सचर। तो मैं यहाँ पे हल्का सा टेस्ट कर लेता हूँ कैसा है, अगर कुछ कमी हो। अच्छा, काफ़ी चटपटा बन गया है। और जिनको चटपटा पसंद है जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए तो बहुत ही परफेक्ट बना है। तो गैस को ऑफ कर दूं? गैस को ऑफ कर देते हैं। हाँ, ऑफ करने के बाद अब इसको हम लोग बिल्कुल डेकोरेट कर देते हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कि आपको बाकी वीडियोस में आपको बिल्कुल टनाटन दिखता है वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं अपने स्टाइल में। ये हमारे पास आ गई एक हांडी, ठीक है, और इसी में हम लोग इसको डाल लेंगे। तो काफ़ी ही अच्छा कलर दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वो आप देखोगे कलर बिल्कुल, ये अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सादा है, मगर इसने बिल्कुल सिंपल ये खाता है तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है। और रात में बेसिकली ये रात में ही खाता है चिराग। और इसे अब बनाने आ गया, मेरे को भी देख कर लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है और फर्स्ट टाइम इसने बनाया है मेरे इंस्ट्रक्शन पर। और मेरे ख्याल से इसने मेरे एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और बिल्कुल अच्छा हो गया। वो आप देखो स्पून वहाँ रखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से धनिया पत्ती डाल सकते हैं, मगर धनिया पत्ती इसे पसंद नहीं है तो वो नहीं डाल रहा है। तो इसके ऊपर मिक्सचर डाल सकते हैं, मिक्सचर लेकर चाहे तो मिक्सचर डाल सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास भुजिया है, भुजिया को डाल देते हैं ऊपर से। भुजिया से टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, बस बहुत है। और ये आज का इसका डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसके साथ आप है ना एक कोई ड्रिंक भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो तो कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेमन का अगर है ना शिकंजी बनाना है तो शिकंजी बना सकते हैं। तो इसके साथ कुछ ना कुछ ड्रिंक तो चाहिए, सूखा सूखा तो मजा आएगा नहीं। आप तुम देख रहे होंगे कि पीछे 9 बजने जा रहा है, रात के 9 बजने वाले हैं, तो इसने अपना ये क्या बना लिया है, डिनर प्रिपेयर कर लिया है, लाइट डिनर बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोहा जैसे है बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बिल्कुल सादा अगर आपको बनाना है, इसके ऊपर आपके अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना है जैसे वो अदर इंग्रेडिएंट, पर ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको पोहा बनाना है। उससे मैंने पोहा बनाया है और काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे गाइड करके
मैम ने बताया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुकिंग की और भी कुछ जानकारी चाहिए है तो आप है ना नीचे भावना जायसवाल का चैनल है उसका लिंक है दिया हुआ है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ही बढ़िया रेसिपीज़ डाली हुई है, बहुत सारी रेसिपीज़ में उनके मिलियन में व्यू जा चुके हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है जाके देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, और मैं इंजॉय करता हूँ, दादा।